भिलाई नर्सिंग होम प्रबंधन द्वारा अस्पताल आए मरीजों और उनके परिजनों के वाहनों को सड़क में पार्क कराए जाने से अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। अस्पताल के मुख्य द्वार के समीप ठेला संचालित होने से गंदगी जहां फैल रही है, जिससे अनावश्यक भीड़ लगने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। भिलाई नर्सिंग होम के मुख्य द्वार के समीप अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों को पार्किंग स्थल की बजाय मुख्य मार्ग के समीप पार्क कराया जा रहा है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर आए दिन यातायात बाधित रहता है। अस्पताल के मुख्य द्वार के समीप अवैध रूप से चाय नाश्ता ठेला संचालित होने से यहां गंदगी फैल रही है, जिसकी सफाई को लेकर उदासीनता बरती जा रही है। साथ ही चाय ठेले पर लगी अनावश्यक भीड़ से कोरोना संक्रमण के फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा तमाम अव्यवस्थाओं को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। स्थानीय युवकों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत सालों से देखा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल में पार्किंग का सुविधा ढंग का नहीं है। यहाँ पर ना पार्किंग वाहन पार्किंग एरिया के बाहर खड़े जाने के कारण यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत सारे छुटपुट दुर्घटना हुए भी हैं यहाँ पर। तो हॉस्पिटल के संचालक से निवेदन है कि अच्छा पार्किंग अन्य अस्पतालों की तरह भी अच्छा पार्किंग सुविधा बनाएं, ताकि यहाँ पर आने वाले समय में दुर्घटना कम हो। शहर के लगभग सभी अस्पतालों में पार्किंग बेसमेंट की सुविधा होती है, या उनके पास अगर ऐसी सुविधा ना हो तो आसपास के खाली जगहों को पार्किंग के रूप में व्यवस्थित करते, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ देखने को मिलता नहीं है और लगभग यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है लगभग आए दिन। और कई बार ऐसे होते हैं कि जाम की वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है इस रोड में। और जो जो हॉस्पिटल के गंदे पानी और डस्ट है, ये जो वगैरह वगैरह निकलते हैं हॉस्पिटल के कचड़े उचड़े, इनका कोई इनके पास एक संसाधन नहीं है जिससे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और उसको पब्लिक को ना इससे बहुत परेशानी हो रही है, बदबू आ रही है दिनों दिन, वो बहुत दिक्कतें जाती हैं इनकी वजह से। तो एक बार बात करने के बाद भी व्यापारियों की वजह से भी इसको साधन हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ हो नहीं रही है, जिसके लिए उचित कदम उठाना बहुत जरूरी है। और आपके माध्यम से और शासन प्रशासन से भी इसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे आने वाले समय व्यापारियों की तरफ से। बहरहाल अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था में सुधार किए जाने की जरूरत है, ताकि यहाँ आए मरीजों और उनके परिजनों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।